बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम बात कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है नॉन रिकरिंग या वन ऑफ एक्सपेंडिचर जो कभी कभार हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डे टू डे या रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहा जाता है क्योंकि वो बार बार होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता किस लिए है, कुछ खास वजह है इसकी। सबसे पहली वजह है टू बाय अ नॉन करंट एसेट। जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट को बाय करना चाहते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा, हम अपने नॉन करंट एसेट को क्या करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अगर हम नॉन करंट एसेट को मॉडिफाई या अपग्रेड करते हैं या उस पर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे उस एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाती है या उसकी फ्यूचर में जो रनिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई हम ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जो एसेट की लाइफ को बढ़ाता नहीं है बल्कि एसेट की लाइफ को मेंटेन करता है, एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करता है, एसेट की जो रनिंग कॉस्ट है उसको कम नहीं करता बल्कि उसको मेंटेन करता है, तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है। तो जो एक्सपेंडिचर एसेट की लाइफ एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो उसकी लाइफ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिलेटेड होते हैं विद द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जैसे कि एसेट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्योंकि जब तक आप एसेट को इंस्टॉल ना करवाएं वो एसेट आपके लिए बेकार है। जैसे आपने एक एसी खरीदा, एसी की कॉस्ट है 50,000 और आपने उसको जो है वो पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की 2,000 के डीलर के पास से लेके अपने घर तक लेकर आए, 2,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी, किसकी, वो सुजुकी में या कोई कैरी में लेकर आया, सही है, वैन में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि रोज़ रोज़ ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी और रोज़ रोज़ हम जो है वो एसेट जो है वो खरीद कर लेकर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर हमने टेक्नीशियन को बुलाया, हमने बोला ये नया एसी है फिट करवाना है रूम में, तो वो बोलेगा भाई 3,000 में इसके लूंगा चार्जेस, इसको फिट करने के, टेस्टिंग वगैरह के, सही है। तो वो जो 3,000 चार्जेस ले रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक हम ये 3,000 इन्वेस्ट नहीं करते वो एसी रनिंग कंडीशन में नहीं आता। तो हर वो एक्सपेंडिचर जो एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, या हर वो एक्सपेंडिचर जो एसेट को उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए लाने के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आती है जी बात सुन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्लासिफाई होता है एज अ नॉन करंट एसेट और कहाँ रिकॉर्ड होता है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्लासिफाई होता है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो ट्रीट किया जाता है एज एन एक्सपेंस और उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी क्या नॉन करंट एसेट है, हमने गलती से गाड़ी को एक्सपेंस आउट कर दिया, तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, अंडरस्टेट हो गया, सही जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बनाने से क्या हुआ, प्रॉफिट अंडर हो गया, और चूंकि गाड़ी एक एसेट था उसको हमने बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, तो उससे हमारा एसेट भी क्या हो गया, नॉन करंट एसेट भी अंडरस्टेट हो गया। तो पता ये चला कि अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं तो उससे प्रॉफिट और नॉन करंट एसेट दोनों क्या हो जाते हैं, अंडरस्टेट हो जाते। अगर इसका हम ऑपोजिट कर दें, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम उसको ट्रीट कर दें एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, ये हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 5,000 का, सही है, फ्यूल डलवाया, और वो जो फ्यूल है वो एक्सपेंस है, हमने उसको क्या ट्रीट किया, एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट किया। तो जो एक्सपेंस को हमने एसेट बना दिया तो हमारे एसेट क्या हो गए, ओवरस्टेट हो गए, हमारी गाड़ी की वैल्यू ओवरस्टेट हो गई। दूसरी बात है, जब हमने एक्सपेंस को एसेट बना दिया इसका मतलब उसको एज एन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट। तो पता ये चला कि अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम कैपिटल बना देते हैं तो दोनों चीज़ें ओवरस्टेट हो जाएंगी, प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा और एसेट्स भी ओवरस्टेट हो जाएंगे। और आपको पता है ये प्रूडेंस की वायलेशन है। प्रूडेंस कहता है अपने प्रॉफिट और एसेट को ओवरस्टेट ना करो, लेकिन इसका अर्गेज ये मतलब नहीं हम उल्टा करें कि प्रॉफिट और एसेट को जानबूझ के कम शो करें। प्रूडेंस ये भी नहीं कहता। कुछ बच्चे समझते हैं कि प्रूडेंस कहता है जानबूझ के अपने प्रॉफिट को कम शो करो, जैसे वो लोग करते हैं ना कि यार ज़्यादा नहीं बताओ नज़र लग जाएगी, सही, अपनी इनकम ज़्यादा नहीं बताओ टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो ये
ये प्रूडेंस नहीं कहता, ये आपकी अपनी सोच है कि यार नजर लग जाएगी, या टैक्स बचाने के लिए आप अपने आप को अंडरस्टेट शो करते हैं, आप अपने आप को गरीब शो करते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, सही है। लेकिन ये प्रूडेंस नहीं कहता, ये प्रूडेंस ये कहता है जो ट्रू पिक्चर है अपनी वो शो करें, सही है ना। तो अपने आप को बड़ा चढ़ा कर शो करें, अमीर कबीर शो करें, सही ना, तो अपने आप को जो है वो बिल्कुल जो है वो फकीर शो करें, जैसे आप हैं वैसे शो करें, रियलिस्टिक पिक्चर, ट्रू पिक्चर अपनी शो करें, कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही, सही है जी। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, फॉर द बिजनेस ऑफ जे चार्ल्स होलसेल केमिस्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ये कुछ एक्सपेंडिचर हमें बताना है कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू, एक एक करके देखते हैं। कह रहे बेटा परचेज किया हमने एक्स्ट्रा वैन, यार अगर हमने वैन परचेज किए तो वैन क्या होती है भाई हमारे लिए, जब हम वैन परचेस करते हैं तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि रोज रोज हम नई वैन नहीं खरीदेंगे, सही है जी। और क्योंकि हम होलसेल केमिस्ट हैं, अगर हम वैन वाले होते, क्योंकि हमारा अगर वैन वाला नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा काम ही गाड़ियों का होता, गाड़ियों का हमारा शोरूम होता, वैन के डीलर होते, सही है, फ्रेंचाइज होते सुजुकी की, तो फिर ये वैन परचेस करना हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि वैन हमारे लिए फिर क्या होता, वैन हमारे लिए होता नॉन करंट एसेट नहीं होता, बल्कि वो इन्वेंट्री होता हमारे, सही, अगर हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे कंप्यूटर शॉप अगर कंप्यूटर खरीदती है रीसेल के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे गाड़ियों का शोरूम गाड़ियां खरीदता है रीसेल के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर हाउस वॉल विच हैड फॉलन, वेयर हाउस की वॉल जो पहले गिर गई थी, अब हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सही जी। इससे वैल्यू मेंटेन होगी, वेयर हाउस की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। बिल्डिंग एन एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस, एक्सटेंशन का मतलब एक फ्लोर हमने और बना दिया, तो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपका घर है सिंगल स्टोरी, आपने एक फ्लोर और बना दिया ऊपर, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आगे कह रहे हैं रीपेंटिंग एक्सटेंशन टू वेयर हाउस व्हेन इट वाज फर्स्ट बिल्ट, पहली दफ़ा जो है वो वेयर हाउस की हमने बनाया है वेयर हाउस को, और हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंशन को हम रीपेंट कर रहे हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, वो पहले नया बना है, वो पहले नहीं था घर का हिस्सा या वेयर हाउस का हिस्सा, जब पहली दफ़ा बनाया और उसको हम पेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही जी। अगर आप अपना घर बनवाते हैं और घर बनवाते वक्त जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब क्या होता है, वो कैपिटल होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन लगे मटीरियल लेकर आने की, चाहे वो मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं, चाहे उसमें मशीन को हम हायर कर रहे हैं, सही है, चाहे उसका नक्शा पास करवा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जब तक घर आपका जो है तैयार नहीं हो जाता बिल्कुल रेडी फॉर यूज, जितना भी खर्चा होगा वो क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या कहते हैं जी, कहते हैं कैरेज कॉस्ट ऑन ब्रिक्स फॉर न्यू वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन, अगेन हमने जो ब्रिक्स लेकर आए हैं सुजुकी में, और वो जो ब्रिक्स लाने का खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्यों, क्योंकि ये वेयर हाउस एक्सटेंशन के लिए ब्रिक्स लेकर आए हैं, रोज रोज तो नहीं ब्रिक्स आएंगे ना, तो रोज रोज ये कैरेज लगेगा नहीं, कभी कभार लगेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन परचेज, जो नॉर्मल परचेज होती है उसके ऊपर वो बार बार होती है, तो उसके ऊपर जो कैरेज इनवर्ड होता है वो भी बार बार होता है, तो वो क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैरेज कॉस्ट ऑन सेल्स, ये कैरेज आउटवर्ड होगा, ये भी क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेल तो रोज रोज होती है। लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेट्स, अच्छा अब देखें डेट कलेक्शन जो है वो रोज रोज का मामला है, क्यों, जब भी कस्टमर बैड डेट होगा हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, तो वो जो लीगल कॉस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कि वो एज एन एक्सपेंस आउट होगा, वो एज एन एसेट में नहीं जाएगा। लीगल चार्जेस आर रिक्वायरिंग न्यू प्रेमिसेस फॉर ऑफिस, भाई देखिए अगर हमने नई कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसके जो लीगल चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन पेपर बनवाए, सही है, नक्शा पास करवाए, ये सब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि नई हमने जगह खरीदी है बिल्डिंग खरीदी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, प्रीमियम हमें बार बार भरना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है, और इंश्योरेंस से वैल्यू बढ़ती नहीं है, प्रॉपर्टी की मेंटेन होती है, सही, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीन, नई मशीन बनाने की कॉस्ट, सही, या नई बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट, ये क्या होगी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। बात समझ में, एक्सरसाइज वन के बाद हम एक्सरसाइज टू पे बात कर रहे हैं, और एक्सरसाइज टू में हम देखते हैं क्या कह रहा है, फॉर द बिजनेस ऑफ एच वार्ड अ फूड मर्चेंट क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर टू मीट स्लाइसर, जहां रिपेयर का वर्ड आए तो भाई आप पहली फुर्सत में इसको ट्रीट कर दें एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। न्यू टायर फॉर वैन, अच्छा देखिए टायर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टायर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्यों,
अच्छा कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं सर टायर रोज रोज थोड़ी लगाते, कभी कभार लगाते, लेकिन आप ये सोचो कि टायर से एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है गाड़ी की या मेंटेन होती है? गाड़ी की वैल्यू मेंटेन होती है, क्यों? क्योंकि अगर आपने नई गाड़ी ली उसमें टायर लगे हुए आते हैं और टायर बस्ट हो गए और आपने नए टायर डलवाए तो गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि मेंटेन होगी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के आप कोई आर्मर्ड वगैरह टायर लगाएं, बुलेट प्रूफ वगैरह जो कि पहले उसमें नहीं थे, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नॉर्मल टायर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडिशनल शॉप काउंटर, शॉप काउंटर एक फर्नीचर है तो वो फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिन्यूइंग साइन राइटिंग ऑन शॉप, सही है ना, साइन राइटिंग का मतलब वो जो शॉप के ऊपर वो बोर्ड बनता है, साइन बोर्ड जो बनता है, तो वो हम रिन्यू कर रहे हैं। रिन्यू का मतलब पहले बना हुआ होगा, बाद में हम दोबारा उसको रिन्यू कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। फिटिंग पार्टीशन इन शॉप, पार्टीशन लगा रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और रिपेयर जो है वो रेवेन्यू होगा। इंस्टॉलिंग थीफ डिटेक्शन इक्विपमेंट, इंस्टॉल जब करते हैं नॉन करंट एसेट को तो वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट, ये रेवेन्यू होगा। कैरेज ऑन रिटर्न आउटवर्ड, ये रेवेन्यू होगा। न्यू कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सुपर मार्केट्स के अंदर जो लगा हुआ होता है, जैसे एक मॉनिटर होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें कैश होता है, और एक वो बीप वाली मशीन होती है बारकोड वाली, तो ये कैश रजिस्टर कहलाता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके का ऑफिस इक्विपमेंट है। रिपेयर टू ऑफिस सेफ, सेफ क्या होता है, सेफ को रिपेयर कर रहे हैं तो रेवेन्यू है। इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा टॉयलेट, ये कैपिटल होगा क्योंकि जो है ये एक समझ लो एक्सटेंशन है एक तरीके की, एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगा रहे, सही है। एक्सरसाइज थ्री पे बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड बाय नापा लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, हमें बताना है कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सही है जी। इससे आगे हम अभी बात नहीं कर सकते, इस पर इंटरेस्ट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और कह रहा है भाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू यूज विद माइक्रो कंप्यूटर, अच्छा सॉफ्टवेयर क्या एक नॉन करंट एसेट है, सॉफ्टवेयर क्या इनटेंजिबल एसेट है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमारे यहाँ तो क्या 50 रुपए वाली सीडी में सब सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन जो लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं आपको पता है IMS ऑफिस या विंडोज लाइसेंस जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और इनफैक्ट हमारे कंप्यूटर में इस वक्त जितने सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की हार्डवेयर कॉस्ट इतनी नहीं है जितने के हम जो है वो उसमें सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन नापास बिजनेस, सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने की अच्छी खासी लाखों में कॉस्ट होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। रोज रोज नहीं हम करते और उससे वैल्यू बढ़ती है, हमारी जो ना फायदा हो रहा होता है उससे हमें बिजनेस को। पेपर यूज हो रहा है, पेपर जो है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की वेजेस है, वो भी रेवेन्यू होगा। कॉस्ट ऑफ रिबन, रिबन तो अब नहीं आती, उसकी जगह जो है प्रिंटर की इंक आती है, सही, या पाउडर आता है लेजर प्रिंटर में, या जो है वो इंक आती है तो डेस्क जेट वगैरह में, इंक जेट में, तो वो हमारे लिए इंक क्या होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। और वो कह रहा है एडिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू माइक्रो कंप्यूटर, अच्छा अब देखें कंप्यूटर को हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें रैम बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि उससे कंप्यूटर की वैल्यू या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आगे कह रहा है फ्लॉपी डिस्क यूज ड्यूरिंग द ईयर, फ्लॉपी डिस्क समझ ले डिस्क की तरह है बिल्कुल, जैसे सीडीज वगैरह होती हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। कॉस्ट ऑफ एडिंग अ मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड टू माइक्रो कंप्यूटर इक्विपमेंट, सही है, मैन्युफैक्चरर अपग्रेड एक तरीके का अपग्रेड हो रहा है कंप्यूटर, चाहे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चाहे वो, तो जो कॉस्ट होगी उस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि उससे वैल्यू या परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी। एयर कंडीशनर जो लगाना है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सही है जी। लास्ट एक्सरसाइज पे बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 हमारे पास लास्ट है इनफैक्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अगेन, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग, ये कैपिटल होगा क्योंकि बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक फ्लोर और बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वाल्व्स ऑन द लेबलिंग मशीन इन अ कैनिंग फैक्ट्री, अच्छा अब रिप्लेसमेंट वाल्व, कोई वाल्व कोई पार्ट्स वगैरह होंगे मशीन के, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि मेंटेन होगी। रिप्लेस का मतलब पुराना खराब हो गया और उसकी जगह दूसरा लगा रहे हैं, सही, जैसे गाड़ी का अगर कोई टायर खराब हो गया और रिप्लेस कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर टू रूफ क्या होगा, रेवेन्यू होगा। एनुअल सर्विस कॉस्ट फॉर अ कोरियर्स फॉर्म फ्लीट ऑफ वैन, तो जो सर्विस कॉस्ट होगी फ्लीट ऑफ वैन्स की वो क्या होगा भाई, सर्विस कॉस्ट होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ रबर ट्रेड ऑन अ प्रिंटिंग प्रेस विद अ प्लास्टिक वन दैट हैज रिजल्टेड इन द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वी इज एक्सटेंडेड बीइंग 3 years। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, थोड़ी मुश्किल बात है, वो कह रहा है भाई रबर ट्रेड्स की जगह प्लास्टिक के लगा रहे हैं और उससे होगा क्या, वो कह रहा है यूजफुल लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी।
अगर यूजफुल लाइफ बढ़ गई तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, ये हमारे लिए कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अ न्यू बाईसाइकिल परचेज बाय न्यूज एजेंट फॉर यूज बाय द न्यूज पेपर डिलीवरी बॉय। बाईसाइकिल खरीद रहा है न्यूज पेपर डिलीवरी वाला, क्यों? क्योंकि डिलीवरी बॉय को देगा वो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होगी बाईसाइकिल की। रिपेयर टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम मीट होलसेलर, मीट वन जो है वो रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करवा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीपेंटिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ बार रेस्टोरेंट विच हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड द पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग द बायर फॉर द बार या रेस्टोरेंट एज अ गोइंग कंसर्न। क्या कह रहे हैं भाई, रीपेंट कर रहे हैं हम इंटीरियर को बार के रेस्टोरेंट की, जिससे क्या होगा उससे चांसेस बढ़ गए हैं कि हमें बायर मिल जाएगा बार का या रेस्टोरेंट को अगर हमें चलाना है एज अ गोइंग कंसर्न। तो देखिए इसने दो अलग अलग बातें की हैं। अगर तो हमें ये रेस्टोरेंट या बार बेचना है और उसके लिए हम खर्चा करा रहे हैं उस पर, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक बार होगा, हमें बार बार इस पर नहीं कराना होगा। लेकिन अगर हमें ये रेस्टोरेंट चलाना है और हम बार बार इस पर मेंटेनेंस करवाते रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है जी। आखिरी में कह रहे हैं, वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज न्यू ऑफिस बिल्डिंग। नई बिल्डिंग बनाने में जो भी कॉस्ट लगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वेजेस हो, ये सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कैपिटल और रेवेन्यू हो गया। देखिए जिस तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू इनकम भी होती है। एक कैपिटल इनकम और एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है, वो पैसे जो बिजनेस में आ रहे हैं, जो कभी कभार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे, नॉन रिकरिंग बेसिस या वन ऑफ बेसिस पे। और रेवेन्यू रिसीट वो पैसे होते हैं जो बार बार आते हैं, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का पार्ट है। भाई एग्जाम्पल ही, अगर हमने बैंक से लोन लिया, रोज रोज लोन नहीं ले सकते, ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा। अगर हमने ओनर ने बिजनेस ने बिजनेस में कैपिटल डाला है, वो भी कैपिटल रिसीट होगा। या ये हो सकता है कि ओनर ने या फॉर एग्जांपल हमने पुराने नॉन करंट एसेट्स बेच दिए, तो नॉन करंट एसेट बेच के जो पैसा आया वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे सेल ऑफ गुड्स से पैसा आ रहा है, सेल ऑफ सर्विसेज से पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जितनी भी अदर इनकम्स होती हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम्स आती हैं वो रेवेन्यू रिसीट, और जो बैलेंस शीट में आता है या कैश बुक में आता है, जैसे कि लोन लिया है, नॉन करंट एसेट बेच दिए, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया, कैपिटल आइटम्स कौन सी होती है और रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती है।